स्वाति मालीवाल पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तकरीबन करीबी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बीजेपी ने सवाल पूछा। दिल्ली के सीएम महिलाओं को कैसे सुरक्षा देंगे, सब कुछ केजरीवाल की जानकारी में हुआ। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब नहीं दिया, बीजेपी के गंभीर आरोप। लगातार 13 मई से आज तक एक शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, उनके पार्टी के राज्यसभा महिला सदस्य, उनके ऊपर जो हमला हुआ है उस विषय में, और उनके ऊपर व्यक्तिगत में आरोप लगा रहा हूं। क्यों? सीएम खुद बैठे हुए हैं उनके अपने घर में, और उनके राइट हैंड माना जाता है जो वैभव कुमार, विभव कुमार, वो जाकर के उनके पार्टी के एक महिला सदस्य को और राज्यसभा मेंबर को, और कल परसों तक जो महिला आयोग के हेड थी वो महिला को, इसमें सिंबलिज्म भी देख लीजिए, महिला आयोग के प्रेसिडेंट आज राज्यसभा में बैठे हुए महिला सदस्य, उनको उन्हीं के अपने घर में, व्हेन ही सीटेड इन हिज हाउस, चल रही है उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है, और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। योगी इस समय मेरे साथ कनेक्टेड हैं। केशव, इस पूरे मामले में अब जो है राजनीति में खूब हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल के साथ वहां किस वजह से ये मारपीट हुई, और इसी बीच सवाल ये भी है कि अतिशी और सौरभ कहाँ हैं? बिल्कुल आशिका, देखिए बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल जब अपने ही पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए, जो कि सबसे खास है, किसी को भी मुख्यमंत्री से मिलना होता तो विदाउट विभव के परमिशन से वो अरविंद केजरीवाल से नहीं मिल सकते हैं। जब अरविंद केजरीवाल से मिलने वो स्वाति 13 मई को पहुंची हुई थी, उसी वक्त उनके आवास पर विभव ने उनके साथ मारपीट की, जैसा की एलिगेशन स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाया जा रहा है, और उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गया कोर्ट में, उन्होंने अपना बयान भी दर्ज करा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक सौरभ प्रसाद आदिति तो देखिए ये फिलहाल बड़ा अपडेट है, स्वाति के स्टेटमेंट में केजरीवाल का नाम भी है, और अब दिल्ली पुलिस की टीम थोड़ी देर बाद सीएम आवास पहुंचने वाली है।